गुड मॉर्निंग। आज है 22 फरवरी 2022 और आज का हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन है ए 19 फरवरी 1986, बी 20 फरवरी 1986, सी 19 फरवरी 1987, डी 20 फरवरी 1987। तो इसका राइट आंसर है 20 फरवरी 1987। दोनों राज्यों का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसी के साथ यह दोनों भारत के 23वें और 24वें राज्य बने। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार 20 फरवरी को किस देश की अपनी 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? आपके राइट आंसर है ए फ्रांस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो ये देखिए, विदेश मंत्री कौन है आपके? एस जयशंकर ने तो अपनी 3 दिवसीय यात्रा शुरू की, तो इसका राइट आंसर है ए फ्रांस। इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ है ना, यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय मंच में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस तिथि को मनाया गया? आपके ऑप्शन है 18 फरवरी 19 फरवरी 20 फरवरी 21 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। चलिए इसकी थीम देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर थीम पूछा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर। तो हमको याद रखिएगा इसको, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर। दुनिया भर में यह दिन लोगों के भीतर भाषाओं के प्रति लगाव, संरक्षण और बचाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? तो आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी भारत, डी मलेशिया। इसका राइट आंसर है सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश को विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 19 फरवरी, बी 20 फरवरी, सी 21 फरवरी और डी है 22 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है 21 फरवरी। 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेनी नदी के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भारत और किस देश में बनी सहमति? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ए बांग्लादेश। फेनी नदी के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किए जाएंगे कटाव रोधी उपाय, जो फेनी नदी का पानी है उसको पीने योग्य बनाने के लिए। और भारत बांग्लादेश की संयुक्त तकनीकी बैठक में दक्षिणी त्रिपुरा जिले के सबरूम में जल शोधन संयंत्र की मंजूरी देने पर भी सहमति बन गई। आपको आपको पता होगा कि मैत्री सेतु जो पुल है वो किस पर है, वो किस पर स्थित है, वो फेनी नदी पर ही स्थित है। ये देखिए, ये फेनी नदी है और ये है मैत्री सेतु पुल। ये देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटेश्वरा में 11वीं सदी के खंडहर में तब्दील 200 मंदिरों के समूह का जीर्णोद्धार व संरक्षण किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, एग्जाम में आएगा तो मुरैना जिले पर स्थित है। यह मंदिर
यह मंदिर गुर्जर गुर्जर राजाओं के द्वारा निर्मित लगभग 200 बलुआ पत्थर से बने हिंदू मंदिर है। चलिए हम आपको मंदिर दिखाते हैं। जी देखिए, ये है मंदिर का समूह, देख रहे हैं आप, इन्हीं इन्हीं लोगों इन्हीं का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसने फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार, आपके ऑप्शन है ए पृथ्वीराज, बी भूल भुलैया, टू सी अतरंगी रे, डी पुष्पा। तो इसका राइट आंसर है पुष्पा, पुष्पा जो कि साउथ फिल्म है। और जो अभिनेता है, अभिनेता रणवीर सिंह को फिल्म 83 और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म शेरशाह के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए मिला। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आपके आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस देश ने अपना टीयर वन निवेशक वीजा मार्ग बंद कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए यूके, बी अर्जेंटीना, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो आपका राइट आंसर है ए यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, और इसका कैपिटल क्या है? लंदन। यूनाइटेड किंगडम ने सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी नए आवेदकों के लिए अपने टीयर वन निवेशक वीजा को बंद करने का निर्णय लिया है, सुरक्षा चिंताओं के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में G20 का विषय क्या है? G20 का विषय क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ए है एक साथ ठीक हो जाओ मजबूत हो जाओ, बी संयमित रहो संकल्पित रहो, सी जागरूकता है जरूरी, डी महामारी से मुक्ति। आपको आपका सही जवाब है एक साथ ठीक हो जाओ मजबूत हो जाओ, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। और ये जो G20 है की आगामी जो 17वीं बैठक है, यह शिखर सम्मेलन 2022 में बाली इंडोनेशिया में होने वाला है, ये आप जरूर इसको याद रखिएगा। ओके चलिए हम अब जो मेघालय है, मेघालय राज्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलिए आज हम मेघालय राज्य की चर्चा करते हैं। मेघालय, इसकी राजधानी है शिलोंग। मेघालय भारत का पर्वतीय एवं सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। मेघालय शब्द का अर्थ ही मेघों का घर है। मेघों का घर मतलब मेघ मतलब बादल, बादलों का घर, उसे ही मेघालय नाम दिया गया है। ये देखिए, ये मेघालय की तस्वीर है, इसमें ये देखिए मेघ बादल है ना, बादलों से घिरा हुआ, मेघों से घिरा हुआ। मेघालय अपने असम राज्य का ही भाग था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जयवंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में आया। बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं खासी, गारो, बियाट, हजोंग एवं बांग्ला है। आप इन जो भी इसे मेघालय से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर आप जो भी मैंने दिया सब इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। राज्य का 70% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, मतलब वनों से घिरा हुआ है। प्रमुख नदियां, गारो पर्वतीय क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। गारो पर्वतीय क्षेत्र मेघालय में स्थित है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, गनोल, दारिंग, सांडा, सिमसांग, निताई, भूपाई। पठार के पूर्वी में जो जयंतिया पहाड़ियां हैं, एवं मध्य भाग खासी में क्री, दिगारू, उमियन, किंसी, जादुकता, किंसी को ही जादुकता कहते हैं, माओपा, उमन गोट और मिनंटू, ये नदियां प्रमुख नदियां मेघालय की। अब देखिए इसमें है उमगोट नदी को देश की सबसे साफ नदी का रुतबा हासिल है। पानी इतना साफ है कि नाव होती है नदी में, कांच पर तैरती सी नजर आती है, जैसे लगता है कांच में कांच पर तैरती है, तैर रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए उमन गोट नदी है, इसमें ये इतना स्वच्छ है, देखिए इसमें जो नावें हैं वो तैर रही है, लेकिन इसमें कुछ भी गंदगी नहीं है, पत्थर तक एकदम साफ साफ नजर आ रहे हैं। गारो पर्वत है मेघालय राज्य में, छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, मतलब छोटे छोटे जो पहाड़ है उनकी श्रृंखला है गारो पर्वत, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है, जो
जो मेघालय है उसमें गारो जो खासी है उसकी श्रृंखला है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं जिनमें से मुख्यतः गारो लोग हैं। गारो, देखिए गारो एक आदिवासी, आदिवासी को भी गारो कहते हैं। शिलांग जो है वो मेघालय की राजधानी इन्हीं पर्वतों में स्थित है। शिलांग जो मेघालय की राजधानी है इन्हीं पर्वतों में, मतलब गारो खासी श्रृंखला में ही स्थित है। पटकाई बूम, ये सारी पहाड़ियाँ पटकाई बूम, खासी, गारो, जयंतिया श्रृंखला और लुसाई पहाड़ियाँ, यह पर्वत भारत के नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में विस्तृत है। ये सारे पर्वत जो हैं, मुख्य जनजातियाँ कौन सी हैं? खासी, गारो और जयंतिया। प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, पहनावा और अपनी भाषा है। ये जैसे खासी की अपनी परंपरा है, गारो की अपनी, जयंतिया की अपनी। अब इसका लहो नृत्य, लहो नृत्य क्या है? एक लोक नृत्य है। एग्जाम ये पूछेगा कि लहो नृत्य कहाँ, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है, तो ये मेघालय का है लोक नृत्य। मेघालय में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान है, तो देख लेते कौन से। फर्स्ट है नोकरिक नेशनल पार्क, दूसरा है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है सिजू पक्षी अभयारण्य, फोर्थ है नोक खिल्लेम अभयारण्य, फाइव है बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट। ये प्रमुख है। अब प्रमुख झीलें देखते हैं, देख लेते हैं। उमियम झील, उमियम झील मेघालय की खासी जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी मेघालय की खासी पहाड़ियों के किनारे स्थित उमियम झील को स्थानीय भाषा में बड़ा पानी झील के नाम से जाना जाता है, बड़ा पानी के नाम से भी जाना जाता है। और जो और भी झीलें हैं मेघालय में, मेमो झील, तासिक झील, मरनगर झील, आप सभी को पता है कि मालेसराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय के मासिन, मासिनराम में क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो चलिए ठीक है, आज का यही सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।